सरगोधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर लें, और दूसरी बात कि हम लोगों ने जूम क्लासेस ऑनलाइन का आगाज कर दिया है। जो स्टूडेंट्स फाइवर पे कामयाब होना चाहते हैं और अपने सक्सेसफुल लाइफ को फाइवर पे के ज़रिए स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो बेशक हमें रब्ता करें। हम उनको प्रॉपर कंप्लीट गाइड करेंगे, उनको उनकी प्रोफाइल बनाएंगे, उनकी गिग्स बनाएंगे और उसकी कंप्लीट एसईओ करेंगे, और इंशाल्लाह अजीज ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेरे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, मज़ीद जो आप अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पर रब्ता करके जो आपकी टाइमिंग या शेड्यूल है या फीस शेड्यूल है जो, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हमारे पास आज एक ऑर्डर है $95 का, एक घंटा रह चुका है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल क्लाइंट ने डिस्क्राइब की है, कुछ तस्वीरें भी दी हैं। ठीक है, तो लंबी चौड़ी बात भी हुई है और उसके बाद क्लाइंट ने ऑर्डर पर हमें दे दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वो देखते हैं जो क्लाइंट की इमेजेस हैं, तस्वीरें हैं, वो ये हैं। ये एक ट्रेलर है, उसको डिजाइन करना है। इसको मैं यहाँ पे अडोबी फोटोशॉप में ओपन कर लूँ। अब हमने इसको डिजाइन करना है। पहले इसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्लाइंट की डिमांड है, उसके हिसाब से जरा हम लोग चेक कर लें। सबसे पहले तो ये हमारे पास आ चुका है, इसको हम लोग ज़रा रीसेट कर लें फोटोशॉप को, ताकि पता चले कि लेयर पैनल कहाँ है, चीज़ें किधर गई हैं। यहाँ से डबल क्लिक कर लें आप, ओके कर लें, थोड़ा सा जूम कर लें, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर से यहाँ नीचे आ जाए, एक गाइडलाइन ले लें। गाइडलाइन से हम इसको ये वाली साइड थोड़ी सी जो है वो बराबर कर लेते हैं। आप कंट्रोल टी कर लें और राइट क्लिक करें, डिस्ट्रॉट कर लें, इसको थोड़ा सा आप इस वाली साइड को शिफ्ट प्रेस करके ऊपर कर लें, तो ये आई थिंक हमारी साइड बराबर हो जाएगी। इस वाली साइड को थोड़ा सा डाउन भी कर सकते हैं, ये हो चुकी है बराबर। इंटर कर लें, इसको बेशक थोड़ा सा नीचे कर लें, और क्रॉप का टूल लें, क्रॉप के साथ इसको इतना आप कर लें क्रॉप। इंटर कर दिया मैंने, अब इसको इमेज साइज में चले जाएँ। इमेज साइज में 4 है, तो थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं, तो 2500 करते हैं, 10 MB। ठीक है, 10 MB तक साइज बिल्कुल ठीक है, और इसको हम लोग ने सेव कर लेते हैं, सेव एज करते हैं, और डिज़ाइन जो है इसी में ट्रेलर सैंपल के नाम से रख लेते हैं। ऊपर से फिर से हम लोग एक गाइडलाइन लेते हैं, ये इस साइड से थोड़ा सा गाइडलाइन जो क्या है आउट हो रहा है, तो ऊपर से फिर थोड़ा सा हम लोग और डिस्ट्रॉट कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं यहाँ पे, और इस साइड से भी हम लोग ये देखें थोड़ा इसको अंदर कर लेते हैं, डिस्ट्रॉट को थोड़ा सा हमने अंदर कर लिया है। तो अब ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है यहाँ पे कुछ बेहतर लग रहा है। अब हम इसको ट्रेस लेते हैं, यहाँ से जूम करते हैं, एक पेन टूल लेते हैं और शेप ले लेते हैं, यहाँ से हमने इसको ट्रेस करना शुरू कर देना है, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक ट्रेस लिया है। ट्रेस करने के बाद यहाँ से फिर यहाँ से फिर नीचे आप यहाँ से फिर आप यहाँ से जी फिर यहाँ से, और ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी कम कर लें, उसके हिसाब से आ जाए नीचे, इसको ट्रेस लें। ज़रूरी नहीं था ये, तो हम लोग ये इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये चले अब ये फोटोशॉप का थोड़ा सा इमेजेस का मिक्सिंग का काम था, तो मैंने ये इसको फोटोशॉप में ले आया हूँ, यहाँ तक आ गया। कलर इसको हम लोग फुल करेंगे तो कुछ ब्लैक आएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये आउटडोर है, जो डोर है उसको हम लोग निकालते हैं, पेन लेते हैं, पेन के बाद माइनस करते हैं ये वाला, और यहाँ से हमने ये डोर हमने यहाँ तक
यहां तक ये हमने यहां तक मिला दिया है, ये खाली हो चुका है। दोबारा हम लेते हैं पेन टूल, इसमें ऐड का बटन दबाते हैं। तो ये हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट हमने ऐड कर लिया है यहाँ पे, ये चीज। अब देखें इसका कलर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, इसको सिलेक्ट करके कलर फुल कर लेते हैं। यहाँ पे कलर हमने फुल किया और सेव कर। अब यहाँ से जरा क्लाइंट को समझ लेते हैं। क्लाइंट ने जो डिस्क्रिप्शन दी है और जो समझाया है वो कुछ यूं है, ये इमेज है, इसको आप यहाँ ले आते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, छोटा साइज कर लेते हैं, इंटर अप कर लेते हैं। वो कह रहा है वेपर ट्रैक सेव है, यहाँ वो स्टार है, ऊपर स्पॉट लिखना है उसमें, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, चले हम लोग इसमें लोगो जो है उसने दिया हुआ है, लोगो वो चेक करते हैं, लोगो कहाँ से दिया हुआ उसने। इस लोगो को, ये भी लोगो फाइल है, ये इसको हम एक्सट्रैक्ट हेयर करें, अगर इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, ये लोगो फाइल भी आ चुकी है। ये आई थिंक कुछ ट्रैफिक रेपियो टैरिक वाइफर, ये भी है लोगो, और ये जो है इसको हम ओपन करते हैं जरा इलस्ट्रेटर में, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं जरा, चेक करें कि ये क्या चीज है, क्लाइंट ने क्या लोगो दिया हुआ। लेट्स सी, ये यहाँ पे ओपन नहीं हुआ, ओपन हो चुका है जी। ये इलस्ट्रेटर की फाइल है, बनी बनाई क्लाइंट ने चूंकि दे दी है। डोंट रीड टू बी फॉरेस्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ग्रास भी आ चुका है, तो अब इसको कॉपी करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो इमेज है, आर्मी इमेज जो है, आर्मी बैकग्राउंड हम लेंगे, आर्मी बैकग्राउंड ये लेंगे जी। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा बैकग्राउंड लेना है, कुछ हमारा आइडिया मतलब मिल जाएगा हमें, फिर उसके हिसाब से सेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज है ये आर्मी वाली और फ्लैग वाली, इसको हम लग जरा ड्रॉप करें, क्या साइज है इसका इमेज का, इमेज की क्वालिटी बहुत ड्रॉप है। अगर हम इसको फाइंड कर लें गूगल में, अगर ये हमें तस्वीर मिल जाती है कोई अच्छी क्वालिटी में, तो हम लोग क्या है उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्लाइंट का जो फोल्डर है उसमें से इमेज को फाइंड आउट करते हैं, गूगल इमेज सर्च इमेज में मैंने यूज़ किया है, उम्मीद है मुझे यहाँ से कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए तस्वीर का। ये काफ़ी सारी तस्वीरें आ गई हैं, यहाँ से कुछ इमेज को आप देखते हैं, ये मिलती जुलती तस्वीरें हैं। इसको पेज टू पे चले जाते हैं, पेज टू पे ब्लैक एंड वाइट है, थ्री पे जाते हैं, कुछ आ गया है यहाँ पे, ये काफ़ी सारी तस्वीरें निकल आई हैं। और देखते हैं अगर कोई हाई क्वालिटी इमेज हमें मिल जाती है तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ये कुछ आर्मी की कुछ जंग वंग की तस्वीर है, इनकी पुरानी जंगें जो हुई हैं उसके हिसाब से शायद कोई अच्छी तस्वीर हमें यहाँ पे मिल जाए। हाँ, ये कुछ बेहतर है, काफ़ी इससे अच्छी बेहतर फोटो है जो हमारे पास है, ये क्लाइंट ने मुझे दी है उससे ये काफ़ी बेहतर। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं अपने मतलूबा फोल्डर उसी के अंदर मैंने सेव की है। सेव करने के बाद ये भी कुछ बेहतर फोटो है, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लो। ये ज़बरदस्त, मकसद ये था कि तस्वीर जो है वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे, ताकि कटिंग या प्रिंटिंग के दौरान तस्वीर जो है ना
ये बिल्कुल परफेक्ट फोटो मिल गई है हमें, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया है जी, और अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और फोटोशॉप में ही ओपन करूँगा और इसकी जो कटिंग है वो करेंगे। इस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है कटिंग का, ठीक है। तो मैं ज़रा जूम कर रहा हूँ, पेन टूल ले रहा हूँ, ठीक है। पेन टूल लेने के बाद हम यहाँ से इसकी रफ जो कटिंग है वो कर रहे हैं। तो अभी हम फिल वक्त इस इमेज को उठा के हम वहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये इमेज हम लोग यहाँ लगा रहे हैं और ये पड़ी रहे। इस इमेज को हमने यहाँ नीचे मेक क्लिपिंग मास्क कर रहे हैं ये चीज़। और अगर हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें ज़्यादा बेस्ट है। इसको हमने सेव कर लिया है अपने मतलूबा फोल्डर में जहाँ पे हमने ये रखा हुआ था। तो फोटोशॉप में चलते हैं यहाँ पे, इधर ये थोड़ा सा जो एरिया आप देख रहे हैं इसको हम मास्क के अंदर ख़त्म करते हैं। ये जहाँ पे जितना जितना एरिया डिस्टर्बिंग वाला है वो हम ठीक करेंगे। और ये है थोड़ा सा एरिया, इसको भी हम लोग खत्म करेंगे। जो लोग फोटोशॉप में काम करना जानते हैं उनको तो पता है कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब हमारी सीरियल आएगी आप इजीली इसमें से आप देख लोगे कि ये कैसे काम करती है। ये जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ ये कैसे, कौन कौन सा टूल है, कैसे इसको यूज करना है, ये आ चुका है जी, ठीक है। अब ये जो है स्टार जो है ये भी ऐड करना है और सांप है वो ऐड करना है। सांप ये जो है लोगो ये हम ले रहे हैं कंट्रोल वी से जी, लोगो हमने लगा दिया है, यहाँ से कॉपी कर लिया है और फोटोशॉप में हमारे पास लोगो आ चुका है और इसका साइज हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे और ये चीज यहां रख लेंगे। अब इसको हम लोग कलर थोड़ा सा सिल्वर वाला शेड देंगे, गोल्ड हम दे लें या सिल्वर दे लें इसका कोई इशू नहीं है। फिर क्लाइंट को बाद में हम देखेंगे क्लाइंट की डिमांड क्या है। उसने हमें बस एक सैंपल दे दिया है कि मेरे इस सैंपल के अकॉर्डिंग आप लोग बना दो। तो हम लोगों ने उसके सैंपल के अकॉर्डिंग बना दिया है, लोगों से रसमाल करेंगे यहाँ पे। और जो स्नेक है इस स्नेक को भी हम लाएंगे, कॉपी करेंगे और इसको यहां रखें। इसको हम जूम करेंगे और इसको यहां रखें, ठीक है। और इसको मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे। इसका कलर हम लोग अगर दे दें तो
प्योर कलर, अगर ब्लैक टाइप का शेड दे दें तो देखते हैं कैसा आएगा। और ये वाला जो है उसको डाउन करके ऊपर कर लेते हैं, और ये जो है ये ठीक है, ये लोगो है, लोगो हम इसके अंदर कर लेते हैं। ठीक है, ये हिस्सा हम वाइट करते हैं। ये मैंने जो है ये इसको बड़ा कर लिया है, ठीक हो गया। इसको भी हम लोग डाउन करेंगे, यहाँ पे, और ये वाला क्लीन कर लेंगे। अच्छा, अब आ गया है ये स्टार, सेव करते हैं। ये स्टार जो है इसको भी हम ऐड करते हैं। ये जो है इसको भी हम लोग ये कलर देते हैं। और इसको भी हम लोग नीचे लेके आते हैं। ये आ गया, और लोगो हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसको भी थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वही हम सेम टेक्स्ट लिखेंगे। कॉपी करेंगे और इसको यहां पे पेस्ट कर। पेस्ट करने के बाद इसको यहां करें, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको यहां रखें, सबको सेलेक्ट करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क कर। ये जो गाड़ी है इसको हम बायर कर लेते हैं। ये सैंपल जो है ये आ गया है। यहाँ पे अगर हम वो एक ही लाइन में अगर लिख लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जगह इतनी ज्यादा नहीं है। इन डोंट रीड टू मी इन गॉड, ठीक है, यहां पे वी ट्रस्ट, कॉपी और ये पेस्ट। तो यहां से ये मैं स्मॉल साइज कर लूं और इसके ऊपर पेस्ट करूंगा। ये वाला जो है डेल करूंगा, जूम करूंगा इसको मैं यहां पे, कंट्रोल टी यहां पे होगा। ठीक है जी, अब आ गया ये चीज। ये चीज हम कंट्रोल टी करके बड़ा कर लेंगे। अच्छा, ये करने के बाद ये एक चीज तो आ चुकी है हमारी, ठीक है, इसको हम लोग साइन आउट कर लेते हैं, ये हाइड कर। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड का लेआउट बनाते हैं। हमने बैकग्राउंड जो बनाना है वो क्या है, हमारे पास आर्मी बैकग्राउंड। हम फ्री पिक में भी देख लेते हैं, अगर कोई आर्मी बैकग्राउंड मिल जाएगा तो लगाते हैं। आर्मी बैकग्राउंड यहां से लेते हैं और ये देते हैं हाई क्वालिटी, बड़े साइज हाई क्वालिटी। ये ठीक है, फाइट वाला एरिया है, ऐसा ही एरिया चाहिए भी सही हमें, एक्शन, लड़ाई, तबाही, वो सारा सीन चाहिए हमें।
उसको बैक साइड पे लगाएंगे, फाइट वगैरह सब ऐड करेंगे। ये कुछ बैकग्राउंड मैं निकाल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, इन्हीं की मदद से हम लोग लेआउट बनाएंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे आर्मी, आर्मी बैकग्राउंड, आर्मी बैकग्राउंड को हम इंटर करेंगे, आर्मी बैकग्राउंड सी ए बैक ग्राउंड जी आर ओ यू एन डी। ये आर्मी बैकग्राउंड का हिस्सा बन चुका है। आगे ये फाइलें भी ये ठीक है, ये बैकग्राउंड ठीक है, ये पीछे ऐसे ही बैकग्राउंड होना चाहिए। टैंक वैंक लगा देते हैं थोड़े से, वो लेआउट बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ डाउनलोड, और यहाँ से साइन इन करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से आप लोग साइन इन कर लें। और इससे मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैं मतलब किए हैं आप 100% कोई और बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, मिलता जुलता जो बैकग्राउंड है वो आप लगाएं। और मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ये मुझे आई थिंक बेस्ट लग रहा है। लेकिन मज़ीद जो है आप लोग ये सारे काफ़ी बैकग्राउंड पड़े हुए हैं, आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोडिंग अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और अगर इंटरनेट ज़रा है कमज़ोर तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, ये डिसकनेक्ट होता है खुद ब खुद, थोड़ा सा सबर कीजिएगा, ऑलमोस्ट हो चुका है। ये हमारे पास ये आ चुका है, ये चीज फिक्स एरर आ गया जी। हो जाए, ये कई दफ़ा बड़ी फाइल होती है तो फिर वो डाउनलोडिंग पे ना थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक है, तो अब हमने इसको बैकग्राउंड पे लेआउट पे थोड़ा इस्तेमाल करना है। ऐसी बैकग्राउंड को कैसे करना है आप देखें, इसको ओपन करते हैं। ये जिप फोल्डर ओपन होगा जी, इसको डबल क्लिक करके इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन करते हैं। इलस्ट्रेटर में जब आप ओपन करेंगे वहाँ से ही कॉपी करके डायरेक्ट अडोबी फोटोशॉप में भी आप ओपन कर सकते हैं वो फाइल जो भी आप ओपन करना चाह रहे हो। ठीक है जी, तो ये तकरीबन ओपन हो गई है फाइल, ये आ रही है जी। फाइल हैवी है तो यहाँ से कुछ बैकग्राउंड का लेआउट बन जाएगा तो ये बहुत ज़बरदस्त लुक बनेगी इसकी। यहाँ पे ये बैक साइड पे कुछ वो जो फाइटिंग एरिया है, टैंक वैंक है, वो सारे आएंगे। कौन सी फाइल थी ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं ये वाले टैंक, ये यूज़ करेंगे, ये हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ करेंगे, ये जो पर्सन है इफेक्ट है ये सारा यूज़ होगा। तो फाइल काफ़ी मेरा ख्याल हैवी है जो मैंने डाउनलोड कर ली है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, लगना नहीं चाहिए, कभी कभी फाइल में इशू भी होता है, एरर भी आता है। तब तक मैं आपको एक बात समझाता हूँ, अगर आप लोग हमारा फाइबर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ना तो भाई आप लोग ये प्लेलिस्ट में चले जाओ, यहाँ पे 30 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं, कम से कम 200 प्लस वीडियो होंगी। तो ये पूरी आप वीडियो सीरियल लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। मैं काफ़ी हद तक मैंने बताया है कि गिग को रैंक कैसे करना है, फिर अकाउंट बनाना कैसे है, फिर उसमें जो गिग थंबनेल वगैरह हैं वो कैसे बनाने हैं। व्हीकल रैप का पूरा कोर्स हमने यहाँ अपलोड किया है, वो भी आप ले लो। ठीक है, चेक करो, विज़िट करो, पसंद आता है तो ये फाइल तो जो आई थिंक हैंग हो चुकी है, नॉट रिस्पॉन्डिंग दे रही है, तो थोड़ा वेट करते हैं इसको। लेट्स सी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ऐसा ना हो ना उस फाइल के वजह से ये हमारी बनी बनाई फाइल डिस्टर्ब हो जाए। तो इसको मैं आर्ट के साथ यहाँ कॉपी कर लेता हूँ ये वाला एरिया थोड़ा सा, और मास्क की मदद से यहाँ से ये एरिया मैंने ख़त्म कर देता हूँ।
अच्छा जी, अब इधर तो ये काम नहीं कर रहा, मुझे ख्याल है इसको बंद करना पड़ेगा। इस फाइल को एरर देगी या फाइल, इसको बंद करेंगे। टास्क जो है मैनेजर ओपन करनी, इसमें जो इलस्ट्रेटर की फाइल आप देख रहे हैं कौन सी है, ये वाली, इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, एंड टास्क कर देते हैं। ठीक है जी, ये वाली जो फाइल है इसको एंड टास्क करेंगे, ये फाइल खत्म हो जाएगी। इलस्ट्रेटर को दोबारा ओपन करेंगे तो वो फाइल हम लोग दोबारा ओपन कर, अगर वो नहीं ओपन होती तो फिर हमें कुछ आर्मी बैकग्राउंड ढूंढने पड़ेंगे, वही लगाने पड़ेंगे जो हमने यहाँ पे ढूंढे हैं, कुछ मिलते जुलते ऐसे बैकग्राउंड। राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं, इनको भी हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ऐसा बैकग्राउंड आर्मी टाइप का, ये भी हम बैक साइड पे यूज़ कर सकते हैं, ज़रा ये हाई क्वालिटी का ओपन हो जाए, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी इनको पहले यूज़ करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ, फिर आर्मी के जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो भी हम यूज़ करेंगे। ये जो मैंने ओपन किया है फिल वक्त, ये इसको यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे, इसको हम थोड़ा सा संभाल करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और इसको फिर हम लोग यूज़ करेंगे सबसे नीचे, यहाँ से थोड़ा सा वापस आएंगे, यहाँ ये चीज़ ये यूज़ होगा। और ये जो है इसको भी मैं क्लिपिंग मास्क में रखते हैं। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड को हम लोग मास्क यूज़ करेंगे और थोड़ा सा ये वाला जो एरिया है, ये देखें आप, इसको मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे तो फिर ये चीज़ थोड़ी सी दिखाई देगी। अब इसमें दूसरा बैकग्राउंड था जो, वो भी हम लेते हैं, उसको भी हम यूज़ करेंगे, ये वाले को, इसको भी हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है। जब हम इसको भी ऐड करेंगे तो क्या करते हैं, इसको भी मैं क्लिपिंग मास्क करेंगे, ये भी आ चुका है, इसको भी बैक साइड पे रखेंगे और ओपेसिटी कम करते हैं हम लोग यहाँ पे, आई थिंक इसको भी मास्क यूज़ होगा, तो ये भी हम लोग ऐसे करके इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको जी ये यूज़ कर लिया है। ओपेसिटी हम थोड़ी सी और डाउन करेंगे, अब ठीक है, इसको भी डाउन करेंगे, अब बिल्कुल ठीक है। तो ये डिज़ाइन जो है वो हमारा एक तैयार हो चुका है, इसी डिज़ाइन को हम लोग क्लाइंट को देंगे, सेट करेंगे। अब ये एक फाइल हमारा इलस्ट्रेटर जो था वो आई थिंक दे गया एरर, फाइल में पता नहीं क्या था। तो फिल वक्त तो हम ये जो डिज़ाइन है इसी को क्लाइंट को देंगे, उसको बोलेंगे कि भाई इसकी मॉडिफिकेशन चेंजिंग वगैरह तुम कर लो और मुझे बता दो, हम इसको सेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने इसको ब्राइट कर लिया है, ये देखें तो थोड़ा सा इसको डल कर लेते हैं, दोबारा जो है लेवल वाला चूज कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं जी, लेवल, लेवल में मैं ये देखो थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ। ये आ गया डिज़ाइन हमारे पास, इसको मैं कर रहा हूँ जी JPG, इसी को मैं डिज़ाइन बनाऊँगा और बना चुका हूँ तो क्लाइंट को दिखाएंगे जी। ये है ट्रेलर रैप हो गया जी। ठीक है, ये चीज़ ये मैंने सेव कर लिया। अब क्लाइंट को कहेंगे भाई आप चेंजिंग चेक कर लो, मॉडिफिकेशन चेक कर लो, तो बाकी साइडें मैं आपको बना देता हूँ। ये मैंने डिलीवर का बटन दबाना है, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज आवर फर्स्ट ड्राफ्ट फाइनलाइज
देन आई डिलीवर अनदर ऑल साइड विद प्रिंटिंग सोर्स फाइल। ये मैंने उसको बोल दिया जी, अब ये फाइल अटैच कर लेते हैं। ये कहाँ है जी, यहाँ पे हमारे फोल्डर के ये वाली फाइल, इसको मैंने अपलोड कर दिया। वो क्या है, इनवैलिड नेम है। दोबारा करते हैं, इसका नेम चेक कर लेते हैं। कुछ बीच में कॉमा डाला हुआ है, इंटर कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं। अब ठीक है, 2 MB की फाइल है। आप सोर्स फाइल में भी फिल वगैरह ये अपलोड कर दो, बाकी बाद में हम लोग उसको जो चेंजिंग वगैरह करवाएगा तो वो हम देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये तो मैंने कर दिया डिलीवर। टाइम रुक चुका है, काफ़ी लेट हो गया था ऑर्डर, उसको हमने कंप्लीट तो कर दिया है। चेंजिंग मॉडिफिकेशन अगर फिर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उसको दिखाऊंगा आपको कि इसकी चेंज टाइम चल रहा है। आप ऑर्डर रिफ्रेश करोगे, ये रिफ्रेश करोगे आप ऑर्डर, ये टाइम रुक जाएगा। ये टाइम आई थिंक अब रुक चुका है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये अब देखें, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको पूरी की पूरी, जैसे मैं सीरियल काम करता हूँ, जो जहाँ जहाँ से डाउनलोड करता हूँ वहीं से मैं सारी वीडियो दिखाऊँ, ताकि कोई आपके दिल में या आपके माइंड में कोई ऐसे सवाल हो वो भी हल हो जाए। आपको ये ना लगे ये पता नहीं कहाँ से है भाई, आप चीज़ें डाउनलोड कर लेते हो और इस्तेमाल कर लेते हो और हमें तो पता नहीं चलता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।